ਸੇਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਯੋਗਯ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਹੀਂ ਜੀਆਰਡੀ ਟਾਟਾ ਕਹਤੇ ਹੈ, ਅਨਕਾਮਨ ਪੀਪਲ ਹੈਵ ਅ ਨੈਵਰ ਐਂਡਿੰਗ ਐਪੀਟਾਈਟ ਫਾਰ ਸਰਵਿਸ। ਨਾਓ ਵਾਟ ਇਫ ਵੀ ਟੁੱਕ ਦੀਸ ਸੇਇੰਗਸ ਐਂਡ ਅਪਲਾਈਡ ਦੈਮ ਟੂ ਦ ਕੰਟੈਕਸਟ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰ ਆਊਟ ਹਾਊ ਟੂ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵਿਦ ਪਰਪਸ। ਆਫਟਰ ਆਲ ਆਈ ਬਿਲੀਵ there could be no definition of a successful business that does not include service to others. On that note, let me now introduce to you the panel for influencing with purpose. First up, we have Mr. Rahul J. Nam Joshi, CEO, DB Corp Limited, Radio Division, MyFM. May I request Rahul Ji to come up? We have Mr. Hartirat Singh, Director, Hemkund Foundation. We have Mr. Manish Pandey, content coach, brand strategist. And we have our moderator tying it together, Mr. Simarpreet Singh, director and CEO, Hartek Solar. Ladies and gentlemen, over to influencing with purpose, Simarpreet ji. All yours, Simarpreet ji. यार आवाज आ रही है सबको? यार थोड़ा हल्ला हुल्ला कर दो यार, थोड़ा शोर डाल दो, कमाल होगी यार, शोर तो डाल दो। इसके बाद अभी बैक टू बैक सेशन है, फिर प्रबगिल पे शोर डालना हमने, तो एक बार जोरदार तालियां जितने भी लोग बैठे हैं फॉर टाइकॉन चंडीगढ़। बहुत मजा आ रहा है यार, एंड आई थिंक एवरी ईयर प्लेटफॉर्म बढ़ रहा है, टाइकॉन का अवेयरनेस बढ़ रही है, हमारे रीजन की अवेयरनेस बढ़ रही है, और जितने भी यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, कुडोस टू यू, एंड बढ़ाते हैं और प्लेटफॉर्म को और अवेयरनेस करते हैं। यार आज का सेशन तो यार एक्चुअली मेरे दोस्त ही हैं, तो दीज आर फ्रेंड्स, एंड बट आज जब हम इन्फ्लुएंसिंग की बातें करते हैं, राइट, व्हेन वी टॉक अबाउट अ प्लेटफॉर्म, सो वी हैव अ पर्सन हुज प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म टू इन्फ्लुएंस, राहुल जी इज देयर। We have a person who has literally become a poster boy of seva in the world, right? Seva ki baat to it's very deep rooted in Sikhism, but baat karni ki seva ke bare mein baat karni, to out go out there and make it cool, I would say, right? Because aaj coolness bikti hai, is Hartirat. Many of you have seen he's gone viral during COVID, jo seva Hemkund ne ki hai, and hamare guruji hain jo jante hain content world ko. ही इज़ द को फाउंडर ऑफ बियर बाइसेप्स, रणवीर जोश स्टॉक्स को इन्होंने क्यूरेट किया है, लीड किया है, एंड ही इज़ राइट नाउ मेंटर टू मेनी ऑफ द कॉन्टेंट क्रिएटर्स ऑफ द वर्ल्ड जो आप देखते हैं, राइट। सो दिस द प्लेटफॉर्म, समझते हैं इनसे क्या जर्नी रही है, हाउ कैन वी इन्फ्लुएंस एंड इन्फ्लुएंस विद पर्पस फॉर अ लॉन्ग टाइम, राइट। यार स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हरतीरथ से। हरतीरथ, क्या हुआ था कोविड में, यार मुझे थोड़ा समझाओ, वॉट डिड यू गो थ्रू? हेमकुंड ऑफ कोर्स वाज यू नो बहुत सालों से सेवा आप लोग कर रहे हैं, बट कोविड वाज अ टाइम वेयर यू नो सारे डर रहे थे, डर था सबके अंदर, एंड यू आर आउट देयर, यू नो किसी को मास्क पहुंचवा रहे हो, किसी को कुछ पहुंचवा रहे हो, एंड यू जस्ट टुक ग्लोबल स्टेज। क्या था यार, व्हाट डिड यू गो थ्रू, एंड क्या मन में चल रहा था उस टाइम पे? आई मीन आई स्टिल रिमेंबर आई रेड द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग एंड द हेडलाइंस वर इंडिया इज बर्निंग ऑन द सिमिलर लाइंस, एंड मैंने कहा यार हमारे देश का ये हाल हो रहा है, बीइंग अ प्राउड इंडियन आई एम लाइक दिस डजंट सीम राइट फॉर मी। तो फिर नेक्स्ट थॉट आया, देश सेवा बर मोहे हैं, शुभ कर्मन ते कब हूँ ना डरूँ। सो इट्स लाइक आई हैव बीन टॉट सिंस माई चाइल्डहुड कि यार कभी अच्छा काम करने से पहले यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस, एंड आई वाज लाइक ओके लेट्स स्टार्ट सेवा। एंड मी एंड माई डैड हैव दिस रियली क्यूट रिलेशन वेयर इवन इफ आई एम लुकिंग टुवर्ड्स देम उनको समझ आ जाता है कि यार क्या चल रहा है दिमाग में। एंड आई स्टिल रिमेंबर एक ऑक्सीजन सिलेंडर से शुरू किया था, एंड फ्रॉम जस्ट गुड़गांव वी वेंट टू 21 स्टेट्स ऑफ द कंट्री, नॉट जस्ट इंडिया, आल्सो सप्लाइड ऑक्सीजन टू द इंडोनेशियन एम्बेसी इन दिल्ली, एंड वी इम्पैक्टेड 42 लाख लाइव्स इन जस्ट अ स्पैन ऑफ 3 मंथ्स।
Yeah, 42 lakh lives. Let that settle in. So, yahi tha. I mean, it's all possible with everyone's support. Banda kuch bhi na kehla nahi kar sakta. The most powerful thing for me which works is Ardaas. We tend to forget whose sons we are, whose daughters we are. Legacy ki hai saadi. We're the same people who used to fight sawa sawa lakh. So I think COVID tha bhi ek, you know, it's like a bachcha ki eh ta assi paar kar lange koi nahi. So that's what was going on in my mind exactly. Kabhi dimag mein us time pe aaya tha ki jo influence word hai, right, ye jo purpose word hai, did this occur ki this was also a surprise, jo log aapko duniya mein se pyar mila, right? Matlab this was like the kind of love that you got, the love that Hemkund got was, but did you even think of it ki ye kabhi ho payega aise? I mean, never even imagined. You know, when I met Ranveer Singh for the first time, it wasn't planned. Main ek event te si, oh bhi event te si. He went on to stage. He said, "Seva nu salam hai." Te, these are the guys who do real work. Unhe ye nahi kiya Hemkund Foundation. Unhe ye nahi kiya Hartirat Singh. He saw our turbans and he recognized it. That was the most proud moment for me. Ki Bollywood de log un dastara nu salam kar rahe ne. And I think that was pure impact for me. I still remember I called dad in the evening. Grazia Millennial Awards. They're the biggest awards in Bollywood. Te sanu award milia. Being an outsider, you know, bahut mushkil hunda hai Bollywood de vich enter karna. But we got social impact of the year. And it's all kirpa for me. I mean, never ever imagined ki ye sab hoega. It's given me another platform to do more seva. The journey doesn't end here. My goal is ki yaar India de vaste be the first urban Sikh to get the Nobel Prize. That's my goal. तू रणवीर सिंह बारे तो गल करती, तापसी पन्नू बारे तो गल नहीं की, अरे देख दिस इज एक गलत गल कर रहे है. हाउ वॉज द जर्नी ब्रिंगिंग रणवीर सिंह तो समझ आ गए, केम ऑन बोर्ड एज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर यू, बट हाउ डिड तापसी पन्नू हैव एंड बिकॉज इट क्रिएट्स इन्फ्लुएंस, राइट, बिकॉज दे हैव दैट पावर टू क्रिएट मोर इन्फ्लुएंस ऑफ सेवा, हाउ डिड दैट हैपन? I mean, Tapsi nu na main vekhta si, she used to speak openly about topics which we don't really do about, for example the farmers protest, loki darde ne. She used to tweet about it openly and I was like, this is what I need a woman to lead with example. So main unnu milya event te, main kya yaar seva karni hai tvade naal, kende ki mere to ki seva karayega, main kya oh main kara langa, that's my trouble, I'll get it done from you, tusi bas man jao. So she is like done hai, because seva vaste na koi nahi mana karta. Har ek insaan, they need a platform to do seva. All of us need a platform to do good. And I think if we can give them that platform, us to better koi cheez nahi hai. Thank you. Yaar, thode taaliyan tuliyan ho jaye yaar, aise nahi matlab. Rahul ji, purpose ki baat ki abhi Hartirat ne, hai na? Purpose, I could see and, you know, I've known him for a long time. I could see that he ho jata bhavuk, abhi aur bhavuk ho jayega, jo purpose ki baat karenge. You're on the other side. When I say other side, you are the platform where influence jahan hota hai, right? You are on the audio side of things, right? You are on the platform side of things, right? What do you, aap isko kis nazariye se dekhte ho? Aap isko, aap kya responsibility apni dekhte hain from MyFM, from DB Corp, as a platform, right? How do you see that? Hamara ek platform jo hai, bahut hi simple platform hai, audio platform. हर कोई यूज़ करता है. मैं एक छोटे से एक स्टार्टिंग शुरू करने से पहले एक छोटे सा एग्जांपल लेता हूँ, कुछ मजे लेते हैं अपने. हमारा ऑडियो न्यूरोसाइंस कहता है कि ऑडियो का रिटेंशन बहुत लंबा रहता है एंड यू डोंट हैव टू एक्चुअली मेक एनी एफर्ट टू रिटेन और रिमेंबर डेट ऑडियो. एक मैं दो तीन ऑडियो प्ले करता हूँ, वो दो तीन सेकेंड के हैं, लेट्स सी ये अपन रिकॉल कर पाते हैं. लोग गेस करें, आई थिंक गेस करते हैं, प्ले गेम करते हैं. चलो दोबारा प्ले करो सर, एक बार सारे सुनते दोबारा. ब्रिटानिया, या परफेक्ट. मैं हमेशा बोलता हूँ जब ऑडियो प्लेटफॉर्म वाले ऑडियो पे काम करते हैं तो ऑडियो में ग्लिच आता है. यही बात हो रही थी. टेक्नोलॉजी वाले टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं तो टेक्नोलॉजी में ग्लिच आता है. बट एनी वेज, कैरिंग ऑन विद दैट टू सेकेंड ऑडियो, पीपल को रिलेट कि ये ब्रिटानिया का ऑडियो था. सिमिलरली न्यूरोसाइंस कहता है कि ऑडियो जो आपने कभी बचपन में सुना हो, जो ऑडियो इज ऑलवेज ए बैकडोर मीडियम, आप कभी ऑडियो सुनने के लिए एफर्ट नहीं करते, दैट रिटेन्स इन योर माइंड. सो हमारे आरजे इसी टूल को यूज़ करते हुए ऑडियो स्टोरी टेलिंग
एंड ह्यूमर, इन तीनों को यूज करते हुए दे स्प्रेड मैसेज अक्रॉस द सिटी एंड वी बिलीव दे आर द फर्स्ट इन्फ्लुएंसर ऑफ द सिटी बिकॉज दे नो द सिटी न्यूज, दे आर फ्रॉम द सिटी एंड सिटी के हाइपर लोकल कनेक्ट उनके पास होते हैं. बाई यूजिंग ऑल दिस टूल्स हम लोग सिटी के इन्फ्लुएंसिंग ऑफकोर्स आर्जेस इन्फ्लुएंस करते ही हैं एंड द मोस्ट ऑफ टाइम ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि वी यूज इज फॉर द सोशल कॉज. मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल से आप लोग को रिलेट कराना चाहूँगा कि मैनी ऑफ द सिटीज ट्रैफिक बहुत बढ़ गया आजकल, इंक्लूडिंग चंडीगढ़ आई एम सीइंग देयर इज लॉट ऑफ ट्रैफिक एंड अनफॉर्चुनेट सिनेरियो में कई बार होती है कि एम्बुलेंसेस फंस जाती है. सो आर मोस्ट ऑफ द रेडियो स्टेशन गेट्स क्विक कॉल केयर इज ABC रोड पे कोई एम्बुलेंस फंसी है, इफ यू कैन अनाउंस ऑन द रेडियो एंड इट्स अ मैटर ऑफ सेकेंड. जैसे हम रेडियो में अनाउंस करते हैं पीपल आर डेफिनेटली कोऑपरेटिव, हर जगह रहते हैं एंड दे अंडरस्टैंड कि एम्बुलेंस फंसी है और वो जगह दे देते हैं. दिस इज द वे हाउ ऑडियो रेडियो आरजेस आर यूजिंग इट टू क्रिएट अ सोशल अवेयरनेस एंड वेलफेयर फॉर द सोसाइटी. सर एक मेरा थोड़ा सा पता नहीं कॉन्ट्रोवर्शियल है क्या है, लेकिन सर आज तो मैं आपको एक क्वेश्चन फ्रॉम अ CXO पूछ रहा हूँ, ठीक है. सो आप यू आर द CEO फॉर द रेडियो डिवीजन, बेचना भी है कंटेंट, बिकना भी तो चाहिए और आज के टाइम पे क्रिंज बिक रहा है, ठीक है. तो हाउ डू यू टेक अ कॉल कि क्या बेचना है और कहाँ पे हम इन्फ्लुएंस करेंगे जो पर्पस ऐड करेगा, वो कॉल आप कैसे लेते हो? बिकॉज आप प्लेटफॉर्म है ना, ऑडियो में तो कुछ भी बोल सकता है बंदा, बट हाउ डू यू क्रिएट दैट? हाउ डू यू डिस्टिंग्विश ब्रांड्स हु आर विद पर्पस डूइंग समथिंग विज़ाविज क्रिंज और विज़ाविज समथिंग वेरी वेरी नॉर्मल? सो बींग ऑन द रेडियो विच इज ऑडियो कंटेंट, वी हैव दैट कंट्रोल की क्रिंज कंटेंट ना जाए. सो वॉट एवर गोइंग ऑन या फर्स्ट ऑफ ऑल दैट कंट्रोल इज बैक एंड इज देयर विथ अस एंड हाउ टू डिसाइड की योर क्वेश्चन इज ब्रिलियंट क्वेश्चन की सपोज सम ब्रांड इज गिविंग मी गुड मनी बट द प्रोडक्ट ऑफ द मैसेज वॉट दे वॉन्ट टू कन्वे मे नॉट बी दैट एडिक्वेट और मे नॉट बी ऑफ यूज ऑफ फॉर द पब्लिक पर्पज मे एक्चुअली गिव द साइड हार्म इफेक्ट मस्ट बी देयर. सो वी हैव टू टेक अ कमर्शियल कॉल एंड वी डू टेक बैक दोज कॉल्स एंड वी normally don't air such content and if at all we want to air the content we do decide a time band. It will not be a mass consuming time band. It always goes on the lean time and kind of thing. Fair enough. मैं आप पे आता हूँ, अभी मैं छोड़ूंगा नहीं इस बात को. I'll come to that. Guruji, यार आपकी stop calling Guruji. मैं जो है fact है the content world knows you. आपके भी class पे मैं और हरतीरथ आए देखने, खचाखच भरी हुई है यार. जो fact है right, मतलब you have not only mentored but actually handholded some of the biggest influencers of India or world, kyunki India mein jo janta itni my journey by the way. ha correct, but main wo journey bhi aata hu, main inki jo journey rahi hai but I us pe bhi aate hain. sir ji kya ho raha hai India mein, ye content creator economy, content journey, influencers, kya chal raha hai aapke hisab se? matlab what's happening right now, Bharat aur India kis time se guzar raha hai? so it's bahut naya hai अभी तो. इट्स नॉट इवन अ टीनेजर, इट इज़ अराउंड 9-10 ईयर्स कि इंटरनेट का अच्छे से एक्सेस मिल रहा है और लोग UGC जो बोलते हैं, यूज़र जनरेटेड कंटेंट, जो सर बोल रहे थे ना कि हम कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या जाए नहीं जाए, बट प्लेटफॉर्म्स पे कैसा है, UGC है, यूज़र जनरेटेड कंटेंट है, तो सबको पूरा फ्रीडम है, जो चाहे वो डाल सकता है क्योंकि कंट्रोल मैकेनिज्म वहाँ पर नहीं है. वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम दैट टिकटॉक कुड नॉट सॉल्व वॉज दैट. You know, one of the reasons, yes, TikTok had a massive breach with security and governments had their own reasons to, discontinue it from the country. But one of the massive reasons was that also report mein wo bhi kahin na kahin ek line add hua tha ki bada sara thoda sa content jo sahi nahi hai wo janta tak pahunch raha hai, right? So अभी तो बहुत नेसेंट स्टेज पे है क्रिएटर इकोनॉमी कह लो आप, या जो भी ये यूट्यूबिंग हो गया या इंस्टाग्राम पे कंटेंट बनाना हो गया. प्लेटफॉर्म्स तो आएंगे जाएंगे, कंटेंट बनाना हमेशा से रहेगा. किताबें लिखी जाती थी, उसके बाद फिल्म्स बनने लगी, उसके बाद रेडियो हैज इट्स. मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कंटेंट प्लेटफॉर्म हमारे देश में, एटलीस्ट भारत में, आज भी रेडियो है, बिकॉज ऑल इंडिया रेडियो इज़ हर्ड एट ऑल बॉर्डर्स, in the deepest of the villages, remotest of the villages, right? And in the cities as well. So radio obviously and is the biggest platform. वो regulated है और phone सबके हाथ में आ गया है. घर में किसी के आज के दिन भले रोटी कैसे लाना है वो पता नहीं होता, but phone होता है, right? मैं villages में बहुत travel करता हूँ, तो जहाँ पर electricity कटती भी है वहाँ पे लोग 2-4 घंटे की विंडो में भी आती है, तो वो 10 किलोमीटर भी बाइक चला के जाते हैं फ़ोन चार्ज करने, राइट? दैट मीन्स इतना ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी, बॉर्डर लाइन एडिक्शन हो गया है फ़ोन के साथ, इंटरनेट के साथ, राइट?
So when we talk about influencing, when we talk about impact, when we talk about purpose, उससे पहले ना what I really touch upon is responsibility. तो यदि आप मेरा और रणवीर का एक podcast record है, तो 2019 में record हुआ था. मैंने बीच में राज शमानी के साथ भी जब podcast record किया था, तो उसमें भी ये point मैंने जानबूझ के बोला था, because through their platform I can reach to millions, you know, because they have that kind of reach. तो मैंने कहा था कि you know, like how Spider-Man always says, with great you know, power comes great responsibility. तो I always ask these guys कि यदि तुम्हें 1,00,000 लोग भी follow करते हैं, तो आँख बंद करके एक बार imagine करो 1,00,000 बंदे कितने होते हैं. How many people are 1,00,000 people? And if they are standing in front of you, you know, you cannot even see the heads of the last guys. So those many people are virtually following you. That means those many people are listening. तो आपके action से बहुत impact पड़ेगा. Your words will matter a lot, right? And मैं देख रहा हूँ कि आजकल इंटरनेट पे मतलब तुरंत गुठें बढ़ जाती हैं, right? You say something, everybody is like, okay, this is my opinion, ये मेरा opinion है, and they put things. But उनको ये समझ में नहीं आता कि जो उनका opinion है, वो culture form करता है. There is this rapper called Kendrick Lamar in US. और मेरा एक दोस्त बोल रहा था, वो भी rapper है, you know, कोलकाता से, and he was saying कि जब Kendrick Lamar गाना बनाता है, तो वहाँ पे culture change होता है, right? We have seen such examples here in Punjab also. I mean, greatest artists, whether they be folk or whether they be from the latest rap industry, when they say something, and you know, I saw that yesterday, that how people are so mad about Sidhu. Yeah, Sidhu Moosewala, or when you know, recently Daljit Dosanjh did perform on that Coachella thing, right? I was discussing with Sonali, Sonali manages Daljit, and I was saying, what is this craze about? I mean, how is it breaking all kind of record? So she said very proudly ki this is desh ka pyar, right? Which is reaching everywhere, and how people are mad, and you know, white people and brown people and black people or whatever color people from all over the world were singing and dancing, and they forgot their color, race, whatever, and they were all vibing to the music, right? So this is what influence is. This is what responsibility is, right? And that is why I say ki influence ki baat baad mein kar lo, aap impact ki baat baad mein kar lo, pehle responsibility to seekh lo ki yadi aapko 1,00,000 bande follow kar rahe hain, to aap jo ek bhi shabd bologe wo culture change karega. To be very careful of that. To main bahut koshish karta hu, mera hamesha ye prayas rehta hai ki main jin ke sath bhi back end mein kahin na kahin thode bhi chote bhi tarike se bhi juda hu, to ye hamesha I put a guide of line ki you know, be responsible of what you speak. यार मैं भूल गया था, मैं moderator हूँ यार, तालियाँ तो बनती हैं इस बात पे एकदम. यहाँ ना मनीष भाई हमारे चंडीगढ़ में टाइकॉन में ये रीजन, वैसे भी अगर हम बात कर रहे हैं, वैसे इंडिया पूरा ही बहुत प्यारा है, बहुत प्यार देते हैं हर जगह में, बट नॉर्थ की ना एक थोड़ी सी पंजाब और हरियाणा इस हिमाचल है ना, मतलब अपने थोड़ी अलग वार्मथ है. और जो लोग बैठे हैं ना, बहुत से ऐसे एस्पायरिंग प्रोफेशनल्स हैं, एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, जिनके ना शायद 1,00,000 फॉलोअर नहीं होंगे, लेकिन वो 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं. वो एक आज SME चला रहे हैं, वो आज एक 500, वो उससे भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आज एक कर रहे हैं. सो उनके लिए आज अगर वो 100 लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं या 1,000 लोग एम्प्लॉय कर रहे हैं, हाउ कैन दे ऑल्सो बी ऑन द अदर साइड. उनको अगर आपको 3 चीज़ें बतानी है, जितने भी ये बडिंग एंटरप्रेन्योर्स बैठे हैं, कि ये कैसे अपना पर्सनल ब्रांड बना सकते हैं, और हाउ कैन यू हेल्प देम, और आपके 3 टिप्स क्या होंगे, कि मतलब जो ये इम्पैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट से क्रिएट कर रहे हैं, बट कॉन्टेंट जर्नी में आके और ये पर्सनल ब्रांड को कैसे लेवरेज कर सकते हैं, तो 3 टिप्स क्या होंगे आपकी तरफ से? आई विल रिपीट माई सेल्फ जो मैंने मास्टर क्लास में कहा था. आई वॉज वेरी अवेयर दैट जितने भी लोग वहाँ पर आए हुए हैं, मोस्टली एंटरप्रेनर्स हैं या लीडर्स हैं, राइट, अपने अपने टीम्स के, एंड ऑल ऑफ अस आर टर्म्ड एज बिजी पीपल, यू नो, हम सब बिजी होते हैं. और एक बड़ा लॉजिकल सा चीज़ है, वट एवर डज नॉट गेट यू डायरेक्ट ROI, यू पुट दैट इन बैक बर्नर. सो पर्सनल ब्रांडिंग मे नॉट गेट यू डायरेक्ट ROI, इसलिए हम बैक बर्नर पर रख देते हैं, राइट. बट एज यू राइटली सेड, यदि कोई बंदा एक कंपनी चला रही है, और इफ़ दे आर एम्प्लॉइंग 100 पीपल, दैट मीन्स एवरेज 4 लोग भी उस फैमिली में है, तो 400 लोगों का रोटी चल रहा है उस पर्टिकुलर बिजनेस से, मतलब दैट इज़ अ ग्रेट एनफ इम्पैक्ट. नाउ फॉर पीपल टू डू दैट, फॉर पीपल टू मेक देयर ओन पर्सनल ब्रांड, जस्ट डू 3 थिंग्स. आई जस्ट सेड 3 थिंग्स, सो आई विल
tell these three things. By the way, Raj Samani ka style hai, wo three things bolta hai. Five ways. Right. So, pehli baat to aap diary likhna shuru kar do. Write all the difficult things that happens to you. Because success to batana bahut easy hota hai. But write difficult things ki यार आज कोई ऑफिस में आया और बोला यार मैं जा रहा हूँ बिकॉज मेरे को 5,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है कहीं और. इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, यू नो. नाउ यू हैव टू नो दैट यू नो दैट यू नर्चर्ड दैट पर्सन. यू नो राइट नाउ इज द टाइम वेर यू नीड देयर हेल्प. मे बी द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डूइंग टू ग्रेट. यू आर नॉट इन द पोजिशन ऑफ गिविंग दैट 5K एक्स्ट्रा हाइक राइट नाउ. बट देन यू नीड दैट पर्सन, यू नो. एंड यू आर लाइक आप तभी थोड़ा सा यू आर हाफ हैजर्ड, यू आर थोड़ा सा पागल, यू आर थोड़ा सा यू नो नॉट एबल टू मेक माइंड कि यार ये क्या नया चीज है. मतलब मैं तो प्रोडक्शन संभालने का सोच रहा था, ये आ गया रेसिग्नेशन लेके अपना. नाउ दिस इज अ डिफिकल्ट टास्क. नाउ दिस कैन बी प्रॉब्लम ऑफ 1,000 पीपल हु डोंट शेयर विद ईच अदर. आप इसको डायरी में लिख लो एंड स्टार्ट मेंटेनिंग योर डायरी फॉर एटलीस्ट 30 डेज. जिस दिन आपके 30 पन्ने भर जाएंगे ना, उस दिन आप ट्विटर पर अकाउंट बना लेना, उस दिन आप लिंक्डइन पर अकाउंट बना लेना यदि नहीं है तो, और उस 30 दिन में से एक टॉपिक को लिखना स्टार्ट कर देना. 180 दिन तक लिखना. 180 दिन तक आप तो आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा, राइट. दिस इज फैक्ट, दिस इज 100% फैक्ट. 180 दिन तक नोबडी विल इवन गिव यू एनी भाव. आप वहां पे रो, गाना गाओ, यू नो, चाहे अपनी अवार्ड की फोटो डालो, कुछ नहीं होने वाला आपका. दिस इज फैक्ट. ये प्लीज ये टेक इट विद अ रॉक ऑफ सॉल्ट, नॉट जस्ट अ पिंच ऑफ सॉल्ट. ठीक है, नहीं होने वाला. And then after 180 days, you will see that people will start responding to you saying ki mera bhi dard same hai, you know, let's chat more about it, right? Let's form a community, let's form a forum, and then you will see that slowly your ecosystem will be building. Third thing that you should do is find people of your industry and start chatting with them, like join groups, join forums, be a part of such physical events, right? And this is how you start your journey. मतलब हर उस बंदे का जिसका आज आप 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख फॉलोइंग देखते हो ना, एक दिन स्टार्ट उसने जीरो से ही करा था, राइट. सो डू नॉट वेट फॉर टुमारो, स्टार्ट टूडे इवनिंग एंड यू विल फाइंड योर वे. यू नो वेन यू स्टार्ट देन नाइस पीपल विल मीट यू एंड देन दे विल गाइड यू, राइट. एब्सोल्युटली यार, एब्सोल्युटली. एंड यार हरतीरथ, कभी ऐसी फीलिंग आती है कि सेलिब्रिटी बन गए, लोग पहचानने लग गए हैं, एंड जो कॉज है, जो कॉज था सेवा का, कभी ऐसी फीलिंग आती है यार मैं तो मतलब हरतीरथ एक इंडिविजुअल हो गया, एंड जो सेवा, बिकॉज ये हो रहा है राइट विद लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स दैट इज हैपनिंग. एंड अल्टीमेटली यार जिन्होंने एक्चुअली ग्राउंड लेवल धंधे बनाए हैं राइट, कोई पूछता नहीं राइट. मतलब आजकल ट्रेंड भी चल रहा है ना, भैया पैसा बर्न करो, उनको ग्लोरीफाई कर देते हैं. बट आपके साथ ये चीज़ हो रही है कि आपको ऐसा लग रहा है कि यार जो प्लेटफॉर्म है उससे आप बड़े हो रहे हो, ऐसा कभी फीलिंग आती है? या अगर आती है तो अपने आप को कैसे ग्राउंड करते हो, मन को कैसे नीमा करते हो? I mean, I reflect on this every day कि whatever I am today, मतलब अभी तो बहुत लंबी जर्नी है, but मैं सेवा करके मेरे को ये सब मान सम्मान मिला. You know, whatever love we receive is all because of सेवा. तो जिस दिन मैंने सेवा छोड़ दी, I will be finished. So I make it a point that even wherever I am, किस भी गांव में हूँ, किस भी कॉर्नर में हूँ ना वर्ल्ड के, I will make it a point कि मैंने इस हफ्ते I will have to spend a certain number of hours on ground zero to do सेवा. I can send any volunteer, right? But I make it a point कि खुद करो, because शुरू तो वही से किया था ना. Unfortunately, we have glorified the failure culture कि यार इतने startup fail हो गए हैं तो glorify कर दो. We have to glorify the success culture as well because people don't see उसके पीछे की journey क्या है. लोगों ने खाली COVID देखा है, you know, with Hemkund Foundation they've only seen the COVID year. अब लोगों को पता ही नहीं, 2010 से वी स्टार्टेड डूइंग सेवा. 2013 फ्लड्स इन उत्तराखंड, आई वाज देयर फिजिकली. आई स्पेंट 7 मंथ्स अब छोड़ छाड़ के. आवर बिजनेस सफर्ड लॉसेस, आई हैड टू सेल ऑफ माय हाउस टू कंटिन्यू सेवा. बट पीपल डोंट नो अबाउट ऑल. नहीं तो फिर बोल दो ना, 10 साल का ओवरनाइट सक्सेस हो गया बेसिकली. मतलब लोगों को लगता है कि 10 साल ऐसे ही निकल गए. We get a lot of slack, कि यार famous हो गए, but we have to leverage that platform to create more impact. हाँ, मैं इस दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूँगा अगर मैंने वो platform बना ली और मैं भाग गया. But if I'm using that platform day in and day out to create hundreds of more of Hemkund Foundation and Hatirat Singh's, I think I've done my job. अगर एक भी बंदा influence हो जाए ना, तो मेरा काम हो गया.
यार कल एक कल ना बड़ी कमाल की चीज़ हुई, तो हरतीरथ मनीष घर आए तो मेरे दादी जी को मिले. अब ना दादी जी को मिले मिल मुल के तो हम लेट हो गए कल करके. आज सुबह जब मैं आ रहा था यहाँ पे सुबह, तो दादी जी ने मेरे को उनको मिलने गया, तो दादी जी कहते यार वो जड़ा पंजाबी मेरे को कहता जड़ा मुंडा मिलाया सीगा वो तो कह रहे सी बड़ी सेवा करता, बट वो तो बड़ा सोहना सुनखा लग रहा, उसने टीशर्टा पाइया सी, उन्हें पजामा पाया, उन्हें स्नीकर्स पाई सी. यार इसको ये क्लीशे कब तोड़ना, बिकॉज सेवा तो मन में आता ना कि कोई बूढ़ा आदमी होगा जो एकदम कुर्ते पजामे में बैठा होगा, जो ऐसे करके बैठा होगा, तो स्नीकर्स में बैठा है, टीम पूरी बैठी है, एंड ये भी क्लीशे है ना. आई मीन यही तो ब्रेक करना है, यू नो, अगर मैं वाइट कुर्ता पजामा पहन लूंगा, वाइट दस्तार बांध के घूमूंगा, आई डोंट थिंक द यूथ विल कनेक्ट विद मी. आई हैव टू मेक श्योर पीपल आर विद मी, आई हैव अ फोर्स. तो मैंने कहा यार क्यों वाइट कुर्ता पजामा पहनना है, इट्स वेरी स्टूपिड, कपड़े गंदे हो जाएंगे यार मेरे तो सबसे पहले, और अनकंफर्टेबल है, गर्मी इतनी लग रही है वैसे ही, फैब इंडिया का गंदा सा कुर्ता पजामा, वट लग जाते हैं उसके ऊपर. आई एम लाइक आई कैन डू ऑल ऑफ दिस, आई विल बी वेरी कंफर्टेबल येट फैशनेबल, बिकॉज वी आर डूइंग सेवा एवरी डे, बट वी ऑल्सो अर्न अ लाइवलीहुड नॉट थ्रू सेवा. आई डोंट ड्रॉ अ सिंगल सैलरी फ्रॉम द फाउंडेशन. यू नो वेयर आई वर्क, यू नो आई वर्क एज अ कंसल्टेंट टू कंपनीज ऑन CSR पॉलिसीज, ऑन पब्लिक पॉलिसीज. आई ऑल्सो अर्न मनी थ्रू कॉन्टेंट. So I will live like a king because Guru Gobind Singh Ji ne to kaha hai in garib sikhan ko deo paatshahi. When the gurus have said you live like a king, to main kyun white kurta pajama pehnu? I think kahin na kahin to make us weak, we have that structure ki nahi yaar white kurta pajama pehno. But phir public connect nahi karegi aap logon ke saath. So we can wear Balenciaga, we can wear LV and still do seva, because seva har kisi ne karni hai. Wo bachcha baitha hai dekho, wo white kurta pajama pehnega? I don't think he'll wear a white kurta pajama ever in his life. But if he sees that, okay, you know, this bhaiya is wearing cool stuff and he's doing seva, I think more people will connect. Yaar, mere liye na bada ek touching moment hua. And can we have a round of applause? Iqbal sir ke wife abhi mile, and mile, it was such a touching moment for me and Hartirath. And wo aaye, unke na aankhon mein pani aa gaya tha. Mile Hartirath ko aur kehte hai ki main chahni hai, main apne bachchiyan ko kehni hai ki inu follow kar. This is the reference point. And you know, she had tears in her eyes, that is what seva and that is what community. You know, main hamesha kehta hu ki life is like a Newton's third law. Wo Newton's third law life of karma bhi hai. Every action has an equal opposite reaction. So jitna doge na utna hi karma, utna hi aayega, utna hi hum community ko denge. So we are proud of you, Hartirath, and keep up the awesome work. Sir ji, main wapas aa gaya aap pe. Maine wo hold ki hui hai thought. Simar, us pe aata hu, par main ek chota sa point add karna chahta hu. ऑन द रेडियो जो हरतीरथ कर रहे हैं इतना बढ़िया काम. लास्ट ईयर चंडीगढ़ में हमने एक दिल वाली दिवाली करके एक एक्टिविटी की थी. दिवाली में हम सबको बोनसेस मिलते हैं, पर देर इज लॉट ऑफ अंडर प्रिविलेज वर्कर्स जिनको दिवाली में बोनस नहीं मिलते. हमारे आरजेस ने रेडियो पे प्रॉम्प्ट किया कि ऑन दस विद द सेम टॉपिक की हम सबको बोनस मिलते हैं, पर देर इज लॉट ऑफ कम्युनिटी, मे बी जोमेटो डिलीवरी बॉयज एंड मैनी अदर्स वो डोंट गेट एनी बोनसेस. हमने लोगों को इन्वाइट किया कि कम एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डोनेट गिव अस दैट डोनेशन एंड विल मेक इट श्योर इट इज रीचिंग टू द राइट ऑडियंस. एंड गॉड्स ग्रेस चंडीगढ़ इज ऑलवेज बींग द ग्रेट एंड वी गॉट अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ सपोर्ट एंड वी कुड गिव अ अमेजिंग गुड वैल्यू बोनस टू मोर देन 50 वर्कर्स इन चंडीगढ़. दैट्स द पावर ऑफ रेडियो. थैंक यू यार. अब वो मेरे बिल्कुल ऐसे ऐसे मेरे को कर रहे हैं, पता नहीं ऐसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं. पीपल हु डोंट नो, यहां पर इतनी बड़ी स्क्रीन लगी हुई है तो इरिटेटिंग है. हां नहीं, बड़ी 2 मिनट पहले उसमें लिखा था 12 मिनट, फिर 1 मिनट बाद आ गया 6 मिनट, फिर आ गया टाइम्स अप और मैं फ्लिप मारी जा रहा हूं. मैंने कहा हो क्या रहा है यहां पे. नहीं, बट आई थिंक ऑफ कोर्स वी हैव टू फॉलो टाइम. एंड यार एक चीज मैं आपको सबको कहना चाह रहा हूं इस टाइम पे, आप हीरो. ये जो आजकल ग्लोरिफिकेशन चल रही है ना, जो लॉसेस कर रहे हैं, जो आजकल प्लेटफॉर्म्स पे आके कंट्रोवर्शियल चीजें बोल रहे हैं, एक एक बंदा जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो, 10 रुपए भी कमा रहे हो ना, और आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, आप हीरो, आप बैकबोन हो, इंडिया की बैकबोन हो. ये ग्लोरिफिकेशन चलती है, सारे लोग भागते हैं, जिनका नाम बढ़ जाता है कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला. अगर बनना ना, आजकल यूनिकॉर्न्स बोलते हो, मैंने एक ब्लॉग लिखा था, मैं कहा बनना तो घोड़ा बनो, यूनिकॉर्न्स भी बनो और घोड़ा बनो. एंड आई थिंक वी ऑल ऑफ अस whatever we can contribute and give to every entrepreneur here, whether Manish bhai as Guruji right on content creation guiding you, we are there. Whether it is Hartirath through his network can help you, he's there, right? And whether we have the platform himself, right, DB Corp, MyFM, we are all there, right? So I think purpose to seva ki hum jo baat karte hain, purpose hai, let's all try to give back and truly, truly build a sustainable India for the times to come. Thank you all very much.
एक्सीडेंट हुआ हमारे साथ आपकी श्रद्धा है पर की करा पाँच ही ऐदा ही होता है वक्त देखते देखते गुजर जाता है की करा वेल टाइम ऑलवेज मेक्स मी द विलन बट क्या कर सकते हैं आई टेक द फॉल फॉर इट इन एनी केस थैंक यू सो मच फॉर दैट वंडरफुल चैट एंड आई कैन ओनली से वर्ड्स कैन इंस्पायर वर्ड्स कैन डिस्ट्रॉय एक्शंस कैन इंस्पायर एक्शंस कैन डिस्ट्रॉय वी मस्ट चूज आवर्स वेल वेदर वर्ड्स और एक्शंस ऑन दैट नोट लेडीज एंड जेंटलमैन आई वुड लाइक टू इन्वाइट मिस्टर गुरमीत सिंह MD Master Portfolio Services and one of the founders of Thai Chandigarh to felicitate this illustrious and wonderful panel please dekho matlab mujhe lagta hai ki aapne na soch liya hai aap meri baat nahi manoge taali baja do yaar ladies and gentlemen first up we have Rahul J Nam Joshi CEO DB Corp Limited Radio Division My FM We have Mr. Hartirat Singh, Director, Hemkund Foundation. And we have Manish Pandey, Content Coach and Brand Strategist. And our moderator, Simarpreet Singh. Director and CEO, Hartek Solar. चलिए एक तस्वीर खींच लेते हैं तब तक और सिमरप्रीत पाजी भी कहते ने पंजाब ले तालियां मार लो यार Thank you so much once more for that wonderful chat and discussion. And well, we need some love. प्यार तो सबको पसंद है, प्यार की सबको जरूरत है. We need your love. So why don't you put up a post on social media and tag us with the hashtag TIECONCHD. That would be TIECONCHD. Come on, guys, show some love. It's the age of social media, right?